हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टॉप सीक्रेट है हेयर फॉल से रिलेटेड। अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आपका हेयर फॉल जड़ से खत्म हो जाएगा, 100% है। और मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया है कि मैं पहले चीज़ों को ट्राई करती हूँ, यूज करती हूँ, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है अच्छा होता है बुरा होता है सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या है सब कुछ पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके से रिलेटेड वीडियो आपके नोटिफिकेशन पे शो हो पाए, आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाए। वीडियो को कर दीजिएगा बहुत भरपूर लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और आजकल तो सबके ही हेयर फॉल हो रहे हैं एंड हेयर डैमेज हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पीछे मैंने बताया था कि हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स, वो भी 100% इफेक्टिव है। लेकिन अगर किसी का उस टिप्स के थ्रू भी अगर हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो और ये 100% है कि रुक जाएगा आपका। मेरे लुक पे मत जाइएगा क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं सोने जा रही थी, तो मुझे सडनली आ रहा है कि मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है। तो मैंने सोचा कि जो जिस तरीके से मैंने अपने बालों को ग्रो किया एंड जो स्कैल्प मेरी दिखती थी काफी हद तक मेरे बाल ठीक हो गए हैं। अभी तो मेरे फिर से हेयर फॉल हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था थायराइड की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर काफी ड्राई डैमेज हो गए हैं। लेकिन मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ और जैसे जैसे मेरा ठीक होते जाएगा, इम्प्रूव होते जाएगा, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड आपको डे बाय डे वीडियो जा रही हैं, पूरी बारीकी के साथ, पूरी स्टेप बाय स्टेप के साथ। तो अगर आप नहीं देखते तो प्लीज देखिए और जो देखते हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का जो वीडियो है हेयर फॉल कंट्रोल करने का टॉप सीक्रेट स्टार्ट करते हैं। और सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड और वीडियो आपको मिल जाएंगी, सिलाई की जो बारीकियां होती हैं, छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा कंधा गिरने लगता है, आर्म्स में झोल आता है, डीप नेक बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से कितने साइज के ब्लाउज का प्रॉपर तरीका, प्रिंसेस कट, ऑल टाइप ड्रेसेस, ड्रेस डिजाइनिंग मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी चैनल का नेम है, प्रीत तिवारी 2, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं हेयर फॉल कंट्रोल का टॉप सीक्रेट क्या है। तो वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कुछ भी स्किप करोगा एक एक पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप लोग के लिए। तो कुछ भी स्किप करोगे तो हो सकता है कि फायदा ना करे, वैसे तो करेगा क्योंकि बस ये जो चीजें मैं मिलाने वाली हूँ यही काफी ज्यादा आपके बालों के लिए वरदान है, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। अगर ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन और ड्राई हेयर के लिए काफी जादुई मैजिकल हेयर ऑयल होगा। और हेयर ऑयलिंग करते टाइम सिंपली हेयर ऑयलिंग कभी भी स्कैल्प पे नहीं करनी चाहिए, आपको हेयर को पहले अच्छे से तैयार करना होता है, उसके बाद अपने स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए। बालों को ऑयल को लेंथ पे ज़्यादा अप्लाई कीजिए क्योंकि लेंथ हमारी ड्राई डैमेज डल हो जाती है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। एंड स्कैल्प को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखिए, ऑयलिंग करके आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऑयलिंग या तो आप रात को कीजिए या फिर जब आपको हेयर वॉश करना है उसके एक घंटे पहले कीजिए, ओके। इसके बाद आप अपने हेयर को अच्छे से शैम्पू से वॉश कीजिए। हम लोग जब भी शैम्पू अप्लाई करते हैं तो हम सोचते हैं अपने स्कैल्प को अच्छे से नहीं रगड़ना है, अगर हम लोग रगड़ेंगे तो हमारा हेयर फॉल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपकी स्किन पे डर्ट ऑयल और पॉल्यूशन की वजह से डेड स्किन आती है वैसे ही हमारे हेयर के स्कैल्प पे भी आती है। तो हम अपनी स्किन को अच्छे से साफ करते हैं, स्क्रब करते हैं, काफी सारी चीजें अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं, बॉडी पे अप्लाई करते हैं, वैसे ही हमारे हेयर के जो स्कैल्प हैं उनको भी साफ करने की जरूरत होती है। तो आप जब भी शैम्पू यूज करते हो तो अपने स्कैल्प पे डायरेक्ट तो नहीं डालना है, डायरेक्ट डालोगे तो हो सकता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में शैम्पू आपके स्कैल्प पे रह जाए जो कि बाद में आपके स्कैल्प को डैमेज करेगा और डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। तो आपको जब भी शैम्पू यूज करना है तो आपको करना क्या है, आपको लेना है बाउल या फिर मग्गा जिसमें भी नहाते हो उसमें पानी ले लीजिए। डायरेक्ट शैम्पू कभी भी स्कैल्प पे नहीं डालना चाहिए, पानी ले लीजिए, उसके अंदर अपने बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। खाली शैम्पू कभी भी यूज नहीं करना है आपको, शैम्पू में ग्लिसरीन एक चम्मच तक डाल दीजिए, ग्लिसरीन डाल दोगे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाए तो ग्लिसरीन के साथ विटामिन ई की 2 कैप्सूल डाल दीजिए और हेयर वॉश कीजिए, आपको पहले हेयर वॉश से ही काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ओके। इस तरीके से आपको बालों को वॉश करना है। और जब आप बालों में शैम्पू को डाल देते हो तो ऐसा नहीं करना ऐसे ऐसे करने से, आपको ऐसे डरना नहीं है, आप अच्छे से रब कीजिए स्कैल्प को ताकि जितनी भी गंदगी डर्ट पॉल्यूशन है और झाग अच्छे से बनना चाहिए उससे आपके स्कैल्प को मतलब अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश करना है जिससे कि जितना भी डर्ट और शैम्पू वगैरह आपने लगाया है वो अच्छे से निकल जाए।
बालों पे ज्यादा शैम्पू डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं अप्लाई करनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करना चाहिए। आपने स्कैल्प पे जो मसाज किया है जिससे झाग बना है उसी झाग से अपने बालों को अच्छे से साफ कीजिए, तो आपका जो बाल है वो भी हेल्दी भी रहेगा और डैमेज भी नहीं होगा। आपने डायरेक्ट शैम्पू अगर बालों पर अप्लाई किया तो आपका जो रूट है, जैसे कि मेरा भी खराब हो रखा है, मेरा किसी वजह से नहीं खराब हुआ, मुझे बीमारी है जिसके मेरा इलाज चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आप वो और आपके आपका अगर आपने गलतियां की तो आपका ना कोई बीमारी ना होते हुए भी आपका जो हेयर है वो डैमेज होके ड्राई होके टूटने झड़ने लग जाएगा और बहुत अच्छा अजीब दिखेगा। इसलिए आप जब हेयर वॉश करते हो तो स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए, स्कैल्प से जो झाग बनता है उसी झाग से अपनी लेंथ को साफ कीजिए। ओके, डायरेक्ट लेंथ को और लेंथ को साफ करते टाइम तभी बहुत जोर जोर से नहीं रगड़ना है, ऐसे ऐसे साफ करना है फिंगर वगैरह की मदद से। ओके, तो चलिए बहुत बातें हो गई और स्टार्ट करते हैं ऑयल में कौन सी चीज अप्लाई करनी है। तो ये है कोकोनट ऑयल पैराशूट का, अगर आपको आर्गन कोकोनट ऑयल मिले वो भी ले सकते हो, नहीं है तो आप ये ले सकते हो। और इसमें काफी हद तक मैंने इसको यूज कर लिया और ये खत्म होने वाला है, देख सकते हो इसमें एक होल है, ऐसा नहीं है नया फाइल नहीं है, काफी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। तो इसमें क्या यूज डालूंगी मैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा टिप्स बताया था क्या मिलाने के लिए, अगर आपने उसमें उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो है, क्लिक करके देख लीजिए। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें लेंगे हम लोग इवन 400 mg का विटामिन ई का 4 कैप्सूल। ओके, क्योंकि मेरे बाल काफी ज्यादा ड्राई डैमेज डल दिख रहे हैं, तो आप इसकी मदद से अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो और 100% इफेक्टिव है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो बट ये बहुत ठीक होता है, तो आप थोड़ा सा ऑयल में इसको मिला के फिर अपनी जड़ों में अप्लाई कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है ये और बहुत ज्यादा 100% इफेक्टिव है। मैंने इसको काफी हर बार ट्राई किया है और ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। जब भी मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होता है मैं इसी से अपने हेयर फॉल को रोकती हूँ, मैं बहुत महंगे ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, मैं घर की चीजों से ही अपने स्किन का और हेयर का ख्याल रखती हूँ। तो इसमें जो ऑयल निकल रहा है इसको अच्छे से इसमें डाल लेना है, 4 पाउच लेके इसको आप सुई से या फिर किसी भी चीज से इसको कट कर लीजिए इस तरीके से, मैं नेल से ही कर दे रही हूँ अपने। ओके, और इसका ऑयल जो है मैं डायरेक्ट किसी में कर रही हूँ, अगर आपके पास तो ऑयल ज्यादा है तो आप किसी कटोरी में लेके मिक्स कर लीजिएगा। ओके, तो इसमें अच्छे से मैंने तेल को ऑयल को 4 कैप्सूल मैंने विटामिन ई की डाल दी है, उसको अच्छे से फिंगर की मदद से ही मिक्स कर दिया है मैंने। अब बालों को ओपन करेंगे और पहले थोड़ा सा ऑयल लेके लेंथ पे इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे ताकि जो हमारी लेंथ है उसका जो डैमेज हुआ पार्ट है वो रिपेयर हो पाए। और हेयर को मैं कट करने वाली हूँ बट मेरे बाल बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं तो कट करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपका हेयर फॉल रुक ना जाए अच्छे से। तो मैं इस तरीके से हाथों में ऑयल को लेती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, 100% इफेक्टिव है। आपने कमेंट नहीं किया तो बताइएगा आपको 100% फायदा मिलेगा, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। 100% इफेक्टिव है गाइस, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर जिसको अभी हेयर फॉल हो रहा है बहुत सारी चीजें ट्राई करके थक चुके हो तो एक बार आप ये भी ट्राई कर लीजिए। अच्छे से जड़ों में अप्लाई करना है, लेंथ में भी बहुत अच्छे से ऑयल को अप्लाई करना है। ओके, इस तरीके से मैंने लगा लिया है, 8-10 हेयर मेरे निकल गए लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। तो अच्छे से इसको 5-10 मिनट तक बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से आपके स्कैल्प के अंदर जा सके, और बहुत ज्यादा नहीं मसाज करने का मन करे तो बस इजली ऑयल लगाने के बाद से इस तरीके से थपथपा लेना है ताकि आपके जो ओपन पोर्शन है मतलब हेयर का स्कैल्प है उसके अंदर अच्छे से ऑयल जा पाए और अपना वर्क अच्छे से कर पाए। ओके, तो मैंने ऑयल को लगा लिया
अब मैं इसका हाई वन बनाऊंगी और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। सुबेरे हेड एंड शोल्डर शैम्पू में हल्का सा ग्लिसरीन ऐड करके मैं अपने बालों को वॉश करूंगी। जैसे मैंने बताया है आपको बिल्कुल वैसे ही वॉश करना है। और अगर आपकी स्किन डल हो रही है, झुर्रियां आ रही हैं, ड्राई स्किन है, छाइयां आ रही हैं, तो आप ये जो ऑयल हेयर के लिए हमने बनाया है इसी ऑयल से अपने फेस को मसाज कर सकते हो, अपने स्किन को ग्लोइंग एंड सॉफ्ट स्मूथ बना सकते हो। तो 4-5 बूंद लेना है बाल ऑयल का, अपने चेहरे पे इस तरीके से मसाज करना है। इससे आपके स्किन का जो रिंकल होता है, फाइन लाइंस होती है, डार्क सर्कल होता है, डार्क स्पॉट्स होता है, वो सारी चीजें रिमूव होंगी एंड आपका जो एजिंग है उसको भी ये काफी हद तक कंट्रोल करता है। आईज के नीचे इस तरीके से मसाज करना है। आप इसको यूज करके देखिए और पक्का 100% है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो जिसका भी डल स्किन है, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। 100% इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आपने देखा होगा मेरे पहले की वीडियो में मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मैं बस नारियल तेल की मदद से ही अपने डार्क सर्कल को 50% तक कम कर चुकी हूँ। और इसको भी रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और सुबह हेयर एंड फेस को दोनों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लो, सॉरी शैम्पू से वॉश कर लोगे। और तो आपने इसके फेस के लिए फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एजिंग आ रही है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए साबुन वगैरह छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए। इसी तरीके से आप यूज कीजिए। फिर होममेड बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, उन चीज़ों की मदद से आप अपने चेहरे को साफ करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। चेहरे को 10 मिनट तक मसाज करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, 10 मिनट तक मसाज करना है। तो वीडियो को एंड करती हूँ और बाद में मैं अपने चेहरे को मसाज कर लूँगी और आप इसको ट्राई कीजिए, पसंद आए रिजल्ट देखिए, उसके बाद मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।